धन्यवाद विष्णु जी। आज की सभा में, सभा के केंद्र बिंदु हमारे अग्रज, हमारे सम्मानित बड़े भाई श्रद्धेय मुकेश सिन्हा जी, DMPNGS काले जी, आधा नाम मालूम है, पूरा नहीं मालूम है, इसलिए इतना कह के मैं काम चला ले रहा हूँ, और बाकी सम्मानित अग्रिम पंक्ति के सदस्यों और मुकेश सिन्हा जी के, विशेषकर संधि जी, थोड़े बहुत हम लोगों के भी संधि जी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, इन छोटे छोटे बच्चों को हम लोगों ने यही, जैसे कि अभी हमारे रामविलास जी कह रहे थे, इनको यही नृत्य करते, हंसते खेलते देखा, और न जाने कब ये बड़े हो गए, और इतने बड़े हो गए कि आज अपने पिताजी को सेवानिवृत्ति के अवसर पर ससम्मान लेने के लिए आए हैं। मैं इन सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत कुछ कहूंगा तो पुनरावृत्ति होगी, लेकिन एक बात तो जरूर मैं ये कहना चाहता हूं कि 41 वर्ष के इस सेवा काल में अगर आज इन बदली हुई परिस्थितियों में, बदली हुई परिस्थितियां ये कि जब जरा जरा बात पर प्रबंधन न जाने कौन सी नीचे तीली लगा करके, कौन सी चिमटी लगा करके आपको दंडित करने पर आमादा है, न जाने कब आपका कौन सा गला मुर्दा खाड़ करके आपको अपराधी सिद्ध कर दे, जिसका जो अपराध आपने कभी किया ही नहीं। कारण क्या है कि आप तो फलमन साहब में सारा काम कर रहे हो, ये समझते हुए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ना आपका अगला कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, ना आगामी कोई आपराधिक आपकी मनोवृत्ति है, लेकिन उसके बावजूद लखनऊ मंडल में, पता नहीं पूरे हिंदुस्तान में हुआ नहीं हुआ, लेकिन लखनऊ मंडल में मैंने देखा कि तमाम लोग निरपराध ही दंडित हुए। और ऐसे अवसरों पर अगर कोई बेदाग निकल जाता है तो वाकई ये बड़ी, बहुत बड़ी बात है, बड़ी प्रशंसा की बात है और एक अचीवमेंट है। जैसे कि वाजपेयी जी हमारे भाई कह रहे थे कि हमारा लॉस है, हमारे संगठन का लॉस है, हमारे LIC का लॉस है, इन लोगों ने न जाने किन परिस्थितियों में, कैसी स्थितियों में LIC को नीचे से उबार करके आगे हम लोगों को ला करके दिया है, उसको आगे बचाए रखना, आगे चलाना हमारा परम धर्म है।